जय शंकर, जय श्री गणेश। आप सभी मित्रों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं एक ऐसा विषय लेकर के आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं कि जिस विषय पर बहुत लंबे समय से मेरे पास लोगों की जिज्ञासाएं आ रही थी, लोगों के प्रश्न आ रहे थे। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे कि महाराज जी, इस घोर कलिकाल में कोई ऐसा साधन बताइए कि जिस एकमात्र साधन के करने से हमारे सारे इस कलिकाल के दुख, संकट और पीड़ाओं का निवारण हो जाए। मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि पूज्य गुरुदेव की कृपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, पिछले 5 वर्षों से लगातार मेरे गुरुदेव की आज्ञा से मैं स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन कर रहा हूं। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत ही हर्ष होता है कि पूज्य गुरुदेव ने मुझे भागवत रूपी ग्रंथ की दीक्षा देकर, भागवत के वाचन की आज्ञा प्रदान कर और मेरा जीवन धन्य कर दिया। जब तक मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन नहीं किया था, तब तक श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा जीवात्मा के जीवन में होने वाले लाभ से मैं स्वयं भी अनभिज्ञ था। लेकिन जब मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ा, उसका मनन किया और जब गुरु कृपा से उसकी गहराई में उतरने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं ये देखकर अचंभित था कि क्या केवल और केवल मात्र एक महापुराण का पठन करने से, मात्र एक महापुराण का पारायण करने से या मात्र एक ही महापुराण का वाचन करने से मनुष्य को अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन हाँ, मैंने अपने 5 वर्षों के अनुभव में भागवत कथा पाठन के दौरान ये अनुभव किया कि जो जो लोग मेरे संपर्क में आए, जिन जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण किया, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पारायण करवाया अथवा जिन जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करवाया, मित्रों, उन सबके जीवन में अभूतपूर्व परिणाम दृष्टिगोचर हुए। हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितनी भी पीड़ाएं होती हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, अगर उन सभी कष्टों का, उन सभी पीड़ाओं का और उन सभी दुखों का निवारण अगर किसी एक साधन में है, तो मैं बड़े गर्व, बड़े विश्वास और बड़ी आस्था के साथ आपको कहूंगा कि वो निवारण केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में है। बड़ा अद्भुत है ये ग्रंथ। महर्षि वेदव्यास जी ने कृपा करते हुए हम सभी जीवों के उद्धार के लिए इस ग्रंथ को प्रदान किया है। क्या नहीं देता है ये ग्रंथ। यह ग्रंथ एक तरह से मानव जीवन में कल्पतरु वृक्ष की तरह है, जिसकी छाया में बैठकर वह मनुष्य जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, जिस जिस अभिष्ट पदार्थ का चिंतन करता है, उसे भगवान श्री नारायण की कृपा से वह अवश्य रूपेण प्राप्त कर लेता है। मैंने अपने 5 वर्षों के जीवन के अनुभव में यह पाया कि कई लोग ऐसे आए जिनके घरों में अकाल मृत्यु की वजह से, जिनके घरों में सदैव क्लेश रहता था, वे जीवात्माएं जो अतृप्त थी, वे जीवात्माएं जो प्रेत योनि प्राप्त कर चुकी थी, केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से, भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करने से और केवल भागवत महापुराण का पारायण करने से उन जीवों को सदगति प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, अगर किसी मनुष्य के जीवन में संतान का अभाव रहा हो, अगर शादी किए हुए बहुत वर्ष हो गए हो और उस मनुष्य के जीवन में आज तक कोई संतान नहीं हुई हो, कोई संतति नहीं हुई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का दोष रहा हो, चाहे उसके जीवन में ज्योतिष के हिसाब से ग्रहों का, नक्षत्रों का दोष रहा हो या उसके द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कृत्यों का दोष रहा हो, उन सभी दोषों का निवारण कर और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ने उनके जीवन में संतान को भी दिया। ये मेरे स्वयं के जीवन के अनुभव रहे हैं।
और क्या कहें, चारों पुरुषार्थों को देने वाला अगर कोई ग्रंथ है हमारे भारतीय सनातन धर्म में, तो मित्रों केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह ग्रंथ है जो इस मनुष्य जीवन का कल्पतरु है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में धन के अभाव को झेलता है, कर्ज के अभाव को भी झेलता है और दरिद्रता को भी सहन करता है। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि जिन जिन मनुष्यों ने श्रद्धा से, आस्था से, भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करवाया है, या जहां जहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई वहां पर जाकर अगर उन्होंने सच्चे भाव से उस कथा को सुना है, तो मित्रों उनके जीवन में भी अभूतपूर्व परिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं। जो निर्धन थे उन्हें नारायण की कृपा से भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई, जो निसंतान थे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, और जिनके घर में सदैव क्लेश रहता था या जिनके घर के घर की जीवात्माएं अतृप्त होकर प्रेत योनि में भटकती थी, उनका भी उद्धार हुआ है। हमारे जीवन में बहुत कुछ देने में समर्थ है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो मित्रों आज के इस वीडियो में मैं आपके बीच में आपसे न तो कोई चर्चा करने आया हूं, न ही आपको कोई उपाय बताने आया हूं, और न ही कोई जानकारी देने आया हूं। मैं केवल और केवल आप सभी मित्रों को, जिन मित्रों ने मुझे इतना प्रेम दिया, जिन मित्रों ने मुझे इतना स्नेह दिया, और बहुत ही कम समय में आप सभी मित्रों ने मेरे YouTube चैनल संबित कैलाश चंद्र जोशी को इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का आभार वंदन। आज मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं। सदगुरुदेव की कृपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और मेरे परम आराध्य भगवान सिद्धि विनायक की कृपा से आने वाली 15 जून 2018 से लेकर 23 जून 2018 तक हरिद्वार में भगवती माँ गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी होने जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों से, आप सभी भागवत प्रेमियों से, आप सभी प्रभु प्रेमियों से और आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप सभी सपरिवार इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में पधारें, भगवती माँ गंगा के किनारे बैठकर, भगवती माँ भागीरथी की गोद में बैठकर, जहां साक्षात भगवती माँ गंगा विराजमान है, ऐसी इस कलयुग की पुण्य पुंजमयी देवभूमि हरिद्वार में यह भागवत कथा आयोजित होने जा रही है। सदगुरुदेव की कृपा से पिछले 3 वर्षों से मुझे यह सौभाग्य मिलता रहा है कि मैं हरिद्वार की धरती पर निर्जला एकादशी के इस पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन और गायन करता हूं, और आप ही की तरह बहुत सारे प्रभु प्रेमी, बहुत सारे भक्त इस कथा में सपरिवार मेरे साथ चलते हैं। वो 7-8 दिनों का जो आनंद होता है, उस आनंद का वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता। उस आनंद की अनुभूति तो आपको तब होगी जब आप मेरे साथ इस कथा में चलेंगे। इस कथा यात्रा में चलकर 7 दिनों तक भगवान नारायण की गोद में, भगवती माँ भागीरथी के सानिध्य में जब हम बैठकर इस कलिमल हरणी और सर्व संकट भंजनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे, मित्रों मेरा परम विश्वास है कि आप सबके जीवन की धारा, दशा और दिशा सब कुछ बदल जाएगी। आपको कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन 7 दिनों के बाद में आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि आज दिन तक जो पुण्य आपने नहीं प्राप्त किया, वह सारा पुण्य, जन्म जन्मांतरों का पुण्य आपको केवल और केवल इन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से प्राप्त हो गया। जब आप लोग सपरिवार, सबांधव, सबमित्र, सपत्नी, सपुत्र अगर इस कथा में चलते हैं, तो मित्रों उसका लाभ क्या है? अगर आपके घर का कोई भी सदस्य या आप स्वयं उस कथा में चलते हैं, तो शास्त्र ये कहता है कि आपकी कुल, वंश और परंपरा के जितने भी पितर देवता हैं, वे सभी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि आज हमारे वंश का ये बालक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए हरिद्वार जैसे पुण्य तीर्थ क्षेत्र में गया है, और वहां पर भगवती माँ गंगा की गोद में बैठकर जो ही ये भागवत की कथा का श्रवण करेगा,
तो आपके पितृ उसी समय तृप्त हो जाएंगे। ज्यों ही आप वहां पर भागवत कथा का श्रवण करेंगे तुरंत आपके पितरों को सदगति प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, अगर आपने इस जन्म में या पूर्व जन्म में भी अगर कोई पाप कृत्य किए हैं, अगर मनसा वाचा या कर्मणा आपसे कोई अपराध हो गया है, तो मेरा यह परम विश्वास है कि उस अपराध से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, मैं आज आप सबसे अनुरोध करने आया हूं, आप सबको निमंत्रित करने आया हूं, आप सबको आमंत्रित करने आया हूं, क्योंकि शास्त्र में ये आज्ञा प्रदान की गई कि जब जब भी जहां जहां भी भागवत कथा का आयोजन हो तो उसका निमंत्रण सभी को देना चाहिए। इसलिए मैं कथावाचक होने के नाते भी और आप सबका स्नेही होने के नाते भी आप सबको निमंत्रण देता हूं कि 15 जून 2018 से 23 जून 2018 तक हरिद्वार में होने वाली इस श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी सपरिवार सादर पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। इतना ही नहीं, एक और बात आपको कहूं, अगर आपको चारों धाम के दर्शन करने हैं, अगर आपको सभी तीर्थों के दर्शन करने हैं, अगर आपको सभी नदियों में स्नान करना है, अगर आपको सभी पवित्र पर्वतों की परिक्रमा करनी है, तो उसके लिए आपको समय निकालकर और उन स्थानों पर अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में जाना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण का यह महत्व है कि जहां जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, वहां पर संसार के सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे पर्वत, सारे वन, सारे ऋषि मुनि, सारे देवी देवता वहां पर आकर विराजमान हो जाते हैं और उन सब की सन्निधि का कृपा प्रसाद भी आप और हम सभी को प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज मैं आप सबको आमंत्रित करने आया हूं और विश्वास करता हूं कि मेरा अनुरोध, मेरा आमंत्रण आप स्वीकार करेंगे। इस कथा में चलने के लिए आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में कैसे आप कथा में चल सकते हैं, किनसे आप संपर्क कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में आप देख लेंगे। जो जो नाम संपर्क सूत्र में दिए गए हैं, वहां पर संपर्क करके आप समय से पहले ही आप अपनी सीट बुक करवा लें। भागवत महापुराण जी की तरफ से आप सबको निमंत्रण देते हुए मैं आप सभी के हृदय में विराजित उस परम पिता परमेश्वर की परम सत्ता को बारंबार प्रणाम करते हुए पुनः आप सभी का हृदय से आभार, वंदन, नमन। जय शंकर, जय श्री गणेश। गंगा मैया।